स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर नगरपालिका सीएमओ और स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड कराई। नगरपालिका की तीन तीन लोगों की 6 टीमें पूरे दिन इसी कार्य में जुटी रही। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नीमच को प्रथम स्थान पर लाने के लिए नगरपालिका दिन रात जुटी हुई है। शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रविवार को अवकाश के दिन भी नगरपालिका सीएमओ सीपी राय और स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा अपनी टीम के साथ लगे रहे। वे घर घर और दुकान दुकान पहुंचे और स्वच्छता ऐप डाउनलोड कराई और 1959 पर मिस कॉल के साथ स्वच्छता को लेकर फीडबैक दिलाया। सीएमओ सीपी राय और स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा के नेतृत्व में नगरपालिका के करीब 400 लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में डटे हुए हैं। नगरपालिका की तीन तीन लोगों की 6 टीमें शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची और स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी और एप्लीकेशन डाउनलोड कराई और फीडबैक दिया। आज चूंकि संडे था, छुट्टी के दिन था, आज हम हमारे सारे कर्मचारियों के साथ स्टाफ ने यह तय किया था कि आज हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे, बनने से पहले का स्वच्छता ऐप डाउनलोड करा और फीडबैक उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी एकत्र हो गया, हम लोग लिखेंगे अलग अलग मार्गों पर और शाम तक एक अधिक से अधिक फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से मार्गों पर अभी जो हमारा मार्ग चयनित है वो यहाँ से निकलेंगे हम लोग अम्बेडकर मार्ग, एक टीम अम्बेडकर पास से होकर जाएगी, 6 टीम उसके बाजू वाली रोड से होकर जाएगी नगर पालिका के बाजू में, और ऐसा करते हैं हम शोरूम चौराहा पहुँचेंगे और वहाँ से फिर बैक। स्वच्छता ऐप पे होता है, जानते हैं स्वच्छता ऐप डाउनलोड कराए जाते हैं। स्वच्छता ऐप डाउनलोड जितने ज़्यादा होते हैं और जितने ज़्यादा उसके एक्टिव यूजर होते हैं, ये जनता के हित की बात है कि हमें कहीं शिकायत करने नहीं जाना है। हमें अपनी शिकायत उस पर क्लिक लेकर उन्हें भेज देना है, निराकरण करना हमारा काम होता है। जनता को इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें, उस पर एक सर्वे होता है वो सर्वे करें। इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम है और दूसरे माध्यम और हैं जिनमें अपना फीडबैक दिया जाता है फ़ोन करके। रविवार को 11 बजे लायंस पार्क से नीमच नगरपालिका सीएमओ सीपी राय और स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा के नेतृत्व में काम शुरू हुआ जो रात 8 बजे तक जारी रहा। लायंस पार्क से अलग अलग क्षेत्रों में होते हुए नगरपालिका की टीमें अंबेडकर सर्कल पहुंची। इस दौरान राहगीरों से भी स्वच्छता ऐप डाउनलोड कराई गई। नगरपालिका द्वारा अब तक प्रतिदिन यह अभियान चलाया जाएगा जिसमें शहरवासियों से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और स्वच्छता ऐप डाउनलोड कराई जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नीमच को अव्वल लाने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आम जन भी स्वच्छता को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नगरपालिका के इस अभियान में उत्सुकता के साथ स्वच्छता ऐप को डाउनलोड किया और 1959 पर मिस कॉल मारकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने भी आमजन को स्वच्छता सर्वेक्षण में सहभागिता निभाने और स्वच्छता रखने के लिए जागरूक किया। क्लब के अध्यक्ष सरोज गांधी ने कहा कि शहरवासी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर जागरूक है और नीमच इस साल बेहतर प्रदर्शन कर नंबर वन बनेगा। नीमच जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भाग ले रहा है, यह एक बहुत ही अच्छी पहल है और हम सब लोग मिलकर नीमच को नंबर वन में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली राजस्व कॉलोनी की सभी महिलाएं बहुत ही इस मामले में अवेयर हैं। वो अपने बाहर जो भी सब्जी वाला या फल वाला जो भी आता है उनसे वो मतलब पॉलीथीन ना लेकर अपनी खुद की डलिया लेकर जाती हैं, उसी में सब्जी लेकर आती हैं। और अपने घर में कई महिलाएं हैं जो कि इसका कंपोस्टिंग का भी काम कर रही हैं और अवेयरनेस है स्पेशली इस कॉलोनी की, तो सारी महिलाएं बहुत अवेयर हैं। बहुत बहुत अच्छा माहौल है। विश्वास जी और टांकवाल साहब, इनकी पूरी टीम बिल्कुल जी जान से जुटी हुई है। जब रात को भी हम निकलते हैं घूमने के लिए, सड़कें धुली हुई मिल रही हैं, डस्टबिन साफ़ किए हुए मिल रहे हैं और कचरा गाड़ियाँ भी रोज़ कचरा लेने के लिए आ रही हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है और हम तो यानी एडवांस में ही हम नीमच को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि ये ज़रूर नीमच नंबर वन पर आए। और यदि कुछ कमियाँ उनको लग रही हैं तो वो खुद अपने आप से ही सर्वे भी कर रहे हैं और इस तरफ बहुत अच्छे काम